जनाब सुनाओ की हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी साहब की हाल है? मेरे छोटे वीर ने। अच्छा अच्छा। बड़े अच्छे आदमी ने। अच्छा कहंदे सी यार मैं भी ताड़ी यूट्यूब ते ना देखी तस्वीर। बड़ी खुशी हुई है स्पेशली तुसी चौरी साहब नूं चैनल दे बाकी जड़ी कमान तो हुण फारिग होई उहदी हुण तैयारी कर रहे हां। अच्छा। ते बाकी सानू मौसम दे बारे दसो अगे हुण की करिए कि काल वगैरह पाक पानी ला लिए बारिश नहीं आई। जिहड़ी तुहाडी गंदम निकली है ना ये गंदम या जवी इहनूं तुसीं ना खाद पा के ना पानी लाओ। ठीक है ठीक है। क्योंकि अगे जी बारिशा है ना मौसमियात ने कहा कि बारिशा अच्छा। कोई फिलहाल चांस नहीं है ते गंदम जी निकली है ना पानी जरूरी है। ठीक हो। खाद ही पा दे। अच्छा। खाद पा के पानी शानी ला दे। लाना चाहिए के लाओ पानी के। और जनाब अल्लाह का शुक्र है चौरी साहब साडे भी सूरत हाल है कमाल शमाल ना पीना लोगों शुरू कर दिता है ते मौसम भी माशाल्लाह ठीक है ते बाकी सिंचाई वगैरह ना कीती हैगी है ते आसा आसा जेड़ी बत्तर आ रही है उन्हें फिर ना हुण बीजना शुरू कर देना है गंदम। ते मौसम अल्लाह पाक ने बड़ा अच्छा कीता है। बड़ा अच्छा मौसम है जी। बहुत अच्छा मौसम। बहुत अल्लाह पाक दी रहमत है जी। मैं तुहानूं यही दसा कि जिहड़े साडा महकमा मौसमियात है ना पाकिस्तान दा जी जी ओह बिलकुल सही पेशनगोईयां कर रहा है। नहीं नहीं है पिछले भी सही है। बिलकुल हुण भी सही मजीद भी सही हो रही है। हां जी हां जी। क्योंकि हुण मौसम खुशके लोकां नूं जिमीदारां नूं मौका मिल गया अपनी जमीन च गंदम काश्त करन दा। इस तरह ही ते जे असी इहनूं मौसमियात दीआं खबरां ना ना देखीए ते सानूं काफी नुकसान होण दा अंदेशा फसल खराब हो महकमा मौसमियात हमेशा ही सानू बड़ी अच्छी खबर दिंदा है। मेरे दोस्त ने मैं पुछ के तुहानू दस देना चौरी साहब प्यो फिर जू ही जो कुछ तुसी दस दियो सानू वो जनाब जाके दसी जेड़े भी मुताबिक चलदे ने किसान अपने दोस्त बड़े खुशहाल ने। इस तरह ही हां हां दिसंबर तैयार होगा तैयार हो जाएगा। लेकिन मेरी नसीहत है ना तुहानू मशवरा ही है ना होनी ने अगर बागात पानी ना दिता जाए तो एक फल सुकदा है और किरदा ज्यादा है। लेकिन पानी मुसलसल हर हफ्ते दही चौरी साहब जिस तरह तो हकीकत है कि तुसी जो कुछ दस दे ना उसके मुताबिक करने सानू बड़ा ही फायदा हो रहा है। अच्छा तुसी होर दसो डेंगी तो बचे बचे हो डेंगी तो बचे हो चौरी साहब अल्लाह पाक करे। हां जी काफी हद तक ना कंट्रोल हो गया है। देखो जी पहले पहले बड़ी परेशानी आई इनके वास्ते साडी हुकूमत भी बड़े अच्छे काम कर रही है। लेकिन असी भी जिहड़ा है ना सानू भी थोड़ा बहुत बचना चाहिए है। महकमा मौसमियात ते लई कहा सी कि जिवें जिवें सर्दी दी शिद्दत इजाफा होएगा वधेगी सर्दी ते डेंगू आटोमैटिक अपने आप भी खत्म होता जाएगा। मजीद जिहड़ा है ना लारवा बच्चे पैदा नहीं करन दी इहदे हिम्मत हैगी जिहड़े छोटे मोटे है ने जिहड़े अपने कमरियां छुपे वगैरह है ने उत्थे तुसीं स्प्रे करो स्प्रे करो मच्छर मार दी स्प्रे करो ताकि वह भी खत्म हो जाए।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਗ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮੋਗ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਰਕਸ਼ੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਫੈਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੂਆਂ ਗੈਸ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਸਮੋਗ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ ਸਮੋਗ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੋਹਲਕ ਬਿਮਾਰੀ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਔਰ ਫੇਫੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਤੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੱਠਿਆਂ ਧੂੰਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਬਣਾਓ ਭੱਠੇ ਦੇ ਇੰਜ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਈਏ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼